सरकार तो बदल गई लेकिन रामानुजगंज में अफसरों की अफसरशाही जारी है। जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाई जा रही 2,29,00,000 रुपए की नहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ताजा मामला रामानुजगंज जल संसाधन विभाग का है, जहां केवड़ा जिला में बन रही नहर ठेकेदार की मनमानी से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। नहर की स्वीकृति के बाद स्थानीय ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ती थी, लेकिन किसानों के खेत तक पानी पहुंचने की उम्मीद अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। नहर निर्माण में 7 सेंटीमीटर मोटी ढलाई करनी होती है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा महज 3 सेंटीमीटर मोटी ढलाई कर दी गई है। गुणवत्ताहीन नहर बनाई जा रही है। अभी ही नहर के में कई जगह क्रैक्स आ गए हैं। संबंधित मामले में कार्यपालन अभियंता जांच के बाद नहर तोड़वाकर दोबारा बनवाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ठेकेदार द्वारा कराए गए घटिया निर्माण को जल संसाधन विभाग तोड़वाकर दोबारा बनवाता है या पूरे मामले पर पर्दा डाल दिया जाता है। अभी मैं तो अभी 2-3 दिन पहले गया था, तो लाइनिंग का कार्य शुरू नहीं हुआ था। उस समय स्लीपर का काम चल रहा था, तो स्लीपर की गुणवत्ता तो मैं चेक करके आया था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यदि लाइनिंग में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाएगी तो वो जितने भी ब्लॉक 5-5 मीटर के जो रहते हैं, जिस भी ब्लॉक में कमी पाई जाएगी उसको तोड़वाया जाएगा और नया डालेंगे, क्योंकि उसमें हमारी तरफ से ठेकेदार के लिए कोई निर्देश नहीं है। जो डिजाइन में है 7.5 सेंटीमीटर डालना है वो डालेंगे। यदि वो गलत है और क्वालिटी भी यदि गलत होगी, कमजोर होगी, तो उसका भी जो है ना उस पर कार्रवाई की जाएगी। काम अच्छा नहीं हुआ है, इसमें पानी ठीक से तराई नहीं हो रहा है और फट फट गया है। बहुत जगह में जितना जगह है पूरा फट फट गया है। इससे आगे वाला नाला ठीक बना था, जो बनाया था अभी का एकदम अच्छा नहीं बना है नाला। इसमें खाली रेत है, सीमेंट का मात्रा नहीं है इसमें जितना है। इंजीनियर का आता है तो उन्हीं का ना, उन्हीं सब डायरेक्शन देता होगा तब ना ऐसे काम हो रहा है। ये ढंग का नहीं बना है, ये आधा इंच 1 इंच मसाला देकर के सूखा देकर के इसी रगड़ के छोड़ दिया है ना। अब पानी भी ढंग से नहीं पड़ रहा, जगह जगह टूट भी रहा है, पानी पटा नहीं है ढंग से। लापरवाही क्यों है काम कराने वाले को? गलती किया है और जो ठेकेदार है उसका।